धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर 3 में स्थित बिना लाइसेंस चल रही मेरसास मास्टर ओवरसीज आयल फैक्ट्री पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 71,49,690 रुपए का माल जब्त। फैक्ट्री संचालक गुरमीत सिंह भाटिया, राजवंश सिंह भाटिया, आलोक सिंह रावल के खिलाफ पीथमपुर थाने पर 420, 272, 273, 34 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज। फैक्ट्री से बरामद माल का नमूना जांच हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। फैक्ट्री सील। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह के निर्देश अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी सचिन लोंगरिया ने पीथमपुर में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत सेक्टर 3 में संचालित मेसर्स मास्टर ओवरसीज का निरीक्षण कर निर्माण किए जा रहे खाद्य पदार्थ सोयाबीन मील एवं सोया एक्सपेलर आयल का नमूना लिया, जाकर जांच हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला भोपाल को भेजा। फैक्ट्री से सोयाबीन मील के 440 बोरे, जिनमें टोटल 21,998 किलोग्राम जिनका मूल्य 9,89,910 रुपए एवं सोया एक्सपेलर आयल का 55,998 लीटर जिसका मूल्य 61,59,780 रुपए का माल निर्माण संग्रह एवं विक्रय किया जा रहा था, जो कुल 71,49,490 रुपए का माल जब्त किया गया। बिना लाइसेंस फर्म संचालित होने से लाइसेंस प्राप्त होने तक निर्माण एवं विक्रय बंद करने हेतु आदेशित किया गया तथा फैक्ट्री को सील किया गया। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर के साथ धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो मिलावट से मुक्ति अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम और के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें मास्टर ओवरसीज सेक्टर 3 में पीथमपुर ये बिना लाइसेंस के संचालित पाई गई थी। इसमें सोयाबीन तेल से सोया एक्सपेलर ऑयल और सोयाबीन मील बनाया जा रहा था। सोयाबीन मील जो 50 किलो के बैग में पैक किया जा रहा था, उसके ऊपर लेबल भी अंकित नहीं था, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत ज़रूरी है, जैसे निर्माता का नाम पता, बैच नंबर, डेट ऑफ पैकिंग, बेस्ट बिफोर, और ये जानकारी अंकित नहीं होने के कारण ये नमूने लिए गए हैं सोया एक्सपेलर ऑयल के और सोयाबीन मील के, और नमूने लेकर भोपाल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। और जो मौके पे जो चूँकि बिना लाइसेंस के संचालित था, इसलिए मौके पे जो सोयाबीन तेल था, एक्सपेलर ऑयल और सोयाबीन मील दोनों को जब्त किया गया है, जिनकी कुल मात्रा लगभग सोयाबीन लगभग 21,998 किलो है और सोया एक्सपेलर ऑयल जो है 5,59,980 लीटर है, जिनकी दोनों की को कुल मिला के जो कीमत है वो लगभग 71 लाख की जब्ती की गई है। ये इसके बाद चूंकि बिना लाइसेंस के व्यापार चल रहा था और मिथ्या छाप था, जो कि जानकारी वो आम उपभोक्ता को होना चाहिए, ये चाहे आम उपभोक्ता या जिसको भी विक्रय किया जाता वो सोयाबीन मील, उसको ये जानकारी होना चाहिए कि ये किसने बनाया है, कब तक इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये जानकारी अंकित नहीं करके एक तरीके से उपभोक्ता और शासन के साथ छल किया है। इसके कारण धारा 420 और 272, 273 IPC के अंतर्गत थाना पीथमपुर बगदून में आवेदन देकर FIR दर्ज की गई है। और जो इसमें FIR में जो फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है, और मौके पर जो मैनेजर थे उनके आलोक सिंह गहरवार और दो अन्य पार्टनर, इनको आरोपी बनाया गया। सचिन लोगरिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, धार। Subscribe now to most exciting channel ever.